इस क्वेश्चन में कह रहा है इन एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल एक आइसो स्केलेलस ट्राइंगल है बना लेते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए तो देखिए ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है अब उसके जो बेस एंगल्स हैं ये वाला और ये वाला ये दोनों इक्वल हैं अब आगे क्या कह रहा है एंड द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ ईच बेस एंगल और वो कह रहा है क्वेश्चन में कि वर्टेक्स एंगल जो है वो Twice है चाहे इस एंगल का ट्वाइस माने या इस एंगल का तो वर्टेक्स एंगल हमारा ट्वाइस है आगे क्या कह रहा है मेजर ऑफ द द ट्राइंगल और हमें तीनों एंगल्स का मेजरमेंट निकालना है तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट द बेस एंगल जो बेस एंगल है बी एक्स मतलब ये भी एक्स है और ये भी एक्स है राइट एंड वर्टेक्स एंगल कितना हो गया फिर वर्टेक्स एंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस कह रहा था क्वेश्चन में देखिए तो टू एक्स हो गया ट्वाइस मतलब टू टाइम्स राइट अब हमें पता है किसी भी ट्रा के एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो दोनों बेस एंगल ऐड कर देंगे और वर्टेक्स एंगल ऐड करके हमें पता है 180 डिग्री का आएगा तो ये कितना आ गया x की टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी तो ये आ गया 4x एक्स इक्वल्स टू वन तो x कितना आ गया 180 एट्टी अपॉन फोर अब जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर देंगे फोर वन जो फोर 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 जो सिक्सटीन ट्वेंटी फोर फाइव जो ट्वेंटी तो हमारा x आ गया 45 डिग्री दैट मीन बेस एंगल आ गया क्योंकि हमने बेस एंगल x को माना था तो हमारा बेस एंगल आ गया तो हम यहां लिख देंगे बेस एंगल आ गया हमारा 45 डिग्री ईच राइट और हमारा वर्टेक्स एंगल आ गया वर्टेक्स एंगल आ गया हमारा टू टाइम्स था हमारा बेस एंगल का तो टू इंटू फोर्टी फाइव डिग्री दैट मीन्स नाइंटी डिग्री तो नाइन्टी डिग्री इज द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है अ मैन ट्रेवल थ्री फिफ्थ ऑफ हिज जर्नी बाय रेल थ्री फिफ्थ जर्नी का मैन ने रेल से ट्रैवल किया वन फोर्थ जर्नी का टैक्सी से ट्रैवल किया और वन एट बाय बस एंड द रिमेनिंग टू किलोमीटर ऑन फुट और बाकी के दो किलोमीटर फुट से ट्रेवल किया तो हमें निकालना है वॉट इज द लेंथ ऑफ इस टोटल जर्नी तो उसकी टोटल जर्नी की लेंथ क्या थी तो जो चीज़ पता नहीं होती हमें लेंथ नहीं पता टोटल जर्नी की तो हम इसी को एक्स मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ टोटल जर्नी भी टोटल जर्नी बी एक्स एक्स है टोटल लेंथ अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाए थ्री फिफ्थ ऑफ द जर्नी उसने रेल से कवर की तो रेल से कितनी जर्नी कवर की थ्री फिफ्थ ऑफ टोटल जर्नी तो थ्री फिफ्थ ऑफ एक्स तो इसको क्या लिख सकते हैं थ्री अपॉन फाइव एक्स इसी तरीके से टैक्सी से कितनी जर्नी कवर की उसने वन फोर्थ ऑफ एक्स तो वन अपॉन फोर एक्स कर लेंगे और बस से उसने कवर की वन अपॉन एट ऑफ एक्स तो दैट मीन्स वन अपॉन एट एक्स कवर की बाकी रिमेनिंग जर्नी उसने टू किलोमीटर की फुट से कवर की क्योंकि ये फ्रैक्शन में नहीं दे रखा सीधा किलोमीटर्स में दे रखा है ये हमें ऑलरेडी बता रहा है कि टोटल जर्नी का टू किलोमीटर उसने फुट से कवर किया तो फुट से कवर किया उसने टू किलोमीटर राइट अब हम हमें ये सारी वैल्यूज़ पता चल गई हैं तो हम अगर इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल जर्नी पता चल जाएगी तो हमने किया थ्री अपॉन फाइव एक्स प्लस वन अपॉन फोर एक्स जो टैक्सी से कवर किया था प्लस वन अपॉन एट एक्स जो बस से कवर किया प्लस टू किलोमीटर जो फुट से कवर किया सब मिला के क्या हो गया टोटल जर्नी आ गई हमारी एक्स तो एक्स लिख दिया अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है टोटल जर्नी की लेंथ निकालने के लिए तो देखिए फाइव फोर और एट में कुछ ना कुछ कॉमन है और जब कुछ ना कुछ कॉमन होता है तो हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं फाइव फोर और एट का तो देखिए टू से गया फाइव एज इट इज टू टू ज फोर टू फोर एट अगेन टू से गया फाइव एज इट इज टू वन ज़ा टू 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 ज फोर अगेन टू से गया फाइव एज इट इज़ टू वन जो टू और फाइव से गया फाइव वन ज फाइव तो ये कितना आ गया टू टू ज फोर फोर टू ज़ा एट एट फाइव ज फोर्टी आ गया तो हमारा एल सी एम आ गया फोर्टी अब देखिए ऊपर तो वाला थ्री एक्स एज इट इज अब फाइव एट ज़ा फोर्टी होता है तो एट लिख दिया प्लस वन एक्स एज इट इज़ और हमें पता है फोर टेन ज़ फोर्टी होता है तो टेन लिख दिया प्लस वन एक्स एज इट इज़ और हमें पता है एट फाइव ज फोर्टी होता है प्लस अब टू के नीचे कुछ नहीं है तो वन लिख देंगे और वन इन टू फोर्टी इज फोर्टी तो टू की मल्टीप्लाई फोर्टी में हो गई ईक्ल्स टू एक्स आ गया अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर एक्स प्लस टेन वन ज टेन एक्स प्लस फाइव इंटू वन इज फाइव एक्स प्लस फोर्टी टू ज़ एट्टी अपॉन फोर्टी इक्वल्स टू एक्स आप देखिए जब ये होल में अपॉन है तो ये फोर्टी उधर चला जाएगा एक्स के साथ तो ये फोर्टी उधर भेज देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स की टर्म्स आपस में ऐड कर रही हूँ ये तीनों ट्वेंटी फोर प्लस टेन इज थर्टी फोर थर्टी फोर प्लस फाइव इज थर्टी नाइन एक्स प्लस एट्टी इक्वल्स टू एक्स इंटू फोर्टी तो ये कितना आ गया थर्टी नाइन एक्स प्लस एट्टी इक्वल्स टू फोर्टी इंटू एक्स फोर्टी एक्स तो ये कितना आ गया देखिए x की टर्म्स एक साइड तो 80 इधर ही रह देंगे और 40x अपनी जगह और ये 39x इधर आके माइनस का हो गया तो ये कितना आ गया एट्टी इक्वल्स टू एक्स बच गया क्यों एक्स बच गया क्योंकि एक प्लस की थी एक माइनस की थी वैल्यू तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दी और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग गया तो एक्स की वैल्यू आ गई एट्टी तो हमारी टोटल जर्नी हमने एक्स मानी थी तो लेंथ पता चल गई हमें टोटल जर्नी का लेंथ ऑफ टोटल जर्नी इज देखिए यहाँ किलोमीटर्स में वैल्यू दे रखी तो आंसर कितना है किलोमीटर्स में ही आया है तो 80 किलोमीटर किलोमीटर्स द आंसर लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ